हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ओम एकेडमी। दिस इज सिद्धार्थ शर्मा एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 9 टॉपिक मोशन। ओके, तो बेटा हमें पहला पॉइंट रखा है, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द मूविंग बॉडीज इज दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। यानी कि जितनी भी हमारे पास मूविंग बॉडीज होती हैं, उनकी जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर देती हैं। जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं उन सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है कि कोई भी बॉडी है वो मोशन में कब कहलाएगी, कोई भी बॉडी मोशन में कब कहलाएगी, जब कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसे हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। कोई भी बॉडी अगर कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ओके, जिसे हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। जैसे कि सपोज हमारा घर है या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सपोज ट्री है, ओके, उसके रेस्पेक्ट में कभी अगर कोई मूविंग कार कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, मूविंग कार है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, तो यानी कि ट्री के रेस्पेक्ट में कार क्या हो गई, मूविंग में हो गई। और अगर हम ये देखें कि कार के रेस्पेक्ट में ट्री क्या है तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है यानी कि वो रेस्ट में है। ओके, तो यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट हुआ रेफरेंस पॉइंट है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है हमारी किसमें है, मोशन में है। ओके, किसी भी बॉडी को मोशन में बोलने के लिए क्या होना जरूरी है कि उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ ए बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजिली। अगर कोई बॉडी काफी तेज मूव कर रही है, काफी स्पीड से मूव कर रही है, तो हम उसका मूवमेंट इजिली ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमारी बॉडी मूवमेंट में है या मोशन में है। अगर कोई बॉडी बट इफ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली। और अगर कोई बॉडी काफी स्लो मूव कर रही है, उसकी स्पीड काफी कम है, तो हमें उसका मूवमेंट इमीडिएटली पहचानना काफी मुश्किल हो जाएगा। जब वो थोड़े टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी तब हम उसके मूवमेंट को पहचान पाएंगे कि हाँ ये बॉडी भी हमारी मोशन में है। अगर कोई बॉडी तेज मूव कर रही है तो क्लियर है कि उसका मूवमेंट हम मतलब उसका मूवमेंट जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे, और अगर कोई बॉडी हमारी काफी स्लोली मूव कर रही है तो हम उसका मूवमेंट इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये जो पॉइंट है हमारा वो सी है। अब ए पॉइंट को किसी भी पर्सन को पॉइंट ए से सी तक जाना है, किसी भी पर्सन को पॉइंट ए से सी तक जाना है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ए टू बी मूव करेगा, सबसे पहले ए टू बी मूव करेगा। सपोज इसकी ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। देन उसके बाद बी टू सी मूव करेगा, सपोज बी टू सी डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। ओके, तो अब अगर कोई बॉडी है हमारे पास या कोई भी पर्सन है जिसे ए टू सी जाना है, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए टू बी प्लस बी टू सी। यानी कि डिस्टेंस को कवर करेगा वो पहले ए से बी जाएगा, बी से सी यानी कि 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ए बी प्लस बी सी इट मीन्स 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इट मीन्स टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर। जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ए बी ए टू बी प्लस बी सी बी टू सी इट मीन्स 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 7 किलोमीटर। ओके, अब यही सपोज वो इतना लॉन्ग घूम के नहीं जाना चाहता, तो वो एक शॉर्टेस्ट पाथ उसने फाइंड आउट किया जो क्या है, ए टू
सी है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसकी वो क्या होगी, ए टू सी। तो ए टू सी कितनी डिस्टेंस होगी, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इन ट्रायंगल एबीसी। हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, इसे तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस, और ये कहलाता है हमारा हाइपोटेन्यूस। ओके, तो इसका जो हाइपोटेन्यूस थ्योरम का मतलब फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बीसी का स्क्वायर, बेस क्या है एबी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस क्या है एसी का स्क्वायर। बीसी कितने से रखा है हमें, 3 का स्क्वायर, ए बी कितना है, सॉरी बीसी हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर और ए बी हमें दे रखा है 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा निकल के आएगा एसी का स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 9 इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर, यानी एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एसी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, यानी वहां निकल के आएगा हमारे पास 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर। तो जो हमारा एसी होगा वो कितना होगा 5 किलोमीटर, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट निकला हमारा वो कितना होगा हमारे पास 5 किलोमीटर। ओके, यानी कि व्हेन ए बॉडी कवर्स अ टोटल डिस्टेंस, इट मींस एक्चुअल लेंथ, व्हेन ए बॉडी कवर्स एक्चुअल लेंथ व्हिच इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड व्हेन ए बॉडी कवर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू रीच द फाइनल पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन। एक चीज याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वो हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके, यहां पे जो हमारा एसी है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, व्हेन ए बॉडी कवर्स एक्चुअल लेंथ, इट मींस ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा, व्हेन ए बॉडी कवर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसीलिए जो डिस्टेंस होती है वो हमारे क्या होता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए हमारी डिस्टेंस क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्यों, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जैसे कि ये 5 किलोमीटर चला है, एज वेल एज डायरेक्शन भी है कि वो लेफ्ट टू राइट या ईस्ट टू वेस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला होगा। ओके, डिस्टेंस क्या होगी हमारी, स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब सपोज हमारे पास जैसे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर, तो ये क्या है, डिस्टेंस है। अब सपोज लिखा हुआ है 5 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ओके, एक और चीज, डिस्टेंस हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। किस केस में, सपोज ये हमारे पॉइंट है, किसी भी बॉडी को इस तरह से मूव करते हुए और वापस इसी पॉइंट पर आना है। ओके, कोई बॉडी है हमारी ए, इसको इसी पॉइंट से चल के वापस इसी पॉइंट पर आना है, तो जो डिस्टेंस इसने कवर करी वो क्या होगी, इस सर्किल की सर्कमफ्रेंस, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। क्यों हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के केस में जब भी हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब जहां से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है और फाइनल पोजीशन जहां पर आके वो रुकी है, ये दोनों पोजीशन अगर सेम होंगी, ये दोनों पोजीशन अगर सेम होंगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, जैसे इस केस में इसी पॉइंट से हमारी बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस तो उसने कवर करी है ना इतनी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ओके, ये टॉपिक क्लियर बेटा? और अगर डिस्टेंस हमारा स्केलर है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कंटिन्यूअस। व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज हमारे पास कोई बॉडी है, उसने पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है, अगले फिर एक घंटे में फिर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है, नेक्स्ट अगले एक घंटे में फिर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी हमारे को यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक एक घंटे में वो 10-10 किलोमीटर कवर कर रही है। ओके, ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स मे बी। और इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि वो हमारा टाइम इंटरवल कितना छोटा है, हो सकता है कि हम ऐसे कैलकुलेट कर दें कि एक सेकंड में वो कितने मीटर कवर कर रही है या एक मिनट में कितने मीटर कवर कर रही है। ओके, तो कितना भी छोटा हमारा वो टाइम इंटरवल हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाएगा, जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अच्छा अब जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। जैसे कि सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है, तो जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन का, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो देखो बेटा, टाइम पीरियड को थोड़ी चेंज कर सकते हैं, अगर हम एक घंटे की बात करते हैं तो बात तो एक घंटे की होगी, बस हमारा क्या होगा, डिस्टेंस कम या ज्यादा हो जाएगा। इट मींस व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज कोई बॉडी है उसने पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, अगले एक घंटे में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, नेक्स्ट उससे अगले एक घंटे में हो सकता है उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई बॉडी हमारी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, अब जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, The distance time graph for a body having non-uniform motion is a curved line. Suppose ये हमारा time है x-axis पर और distance है हमारी y-axis पे, तो ये जो हमारा distance time graph निकलेगा non-uniform motion का, वो क्या निकलेगा, एक curved line निकलेगी। क्या होगी, ये curved line। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके,
स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट वन ऑफ मोशन। अभी इसमें काफी टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए या उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।